दोस्तों कैमरा तो हर एक मोबाइल में होता है, चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, कोई भी कंपनी का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये कैमरा जरूर से देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल कैमरा के 3 न्यू फीचर्स बताने वाला हूँ जिसको 99% लोग नहीं जानते हैं। एंड जब आप अपने कैमरा के अंदर इन सब फीचर्स को देखोगे, इसे यूज करोगे, तो आप एक बार मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर से कहोगे कि साहिल भाई तुझे ये फीचर्स पहले बता देना चाहिए था। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मोबाइल कैमरा के ये जो 3 न्यू सेटिंग्स है ये बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप इसे डेली यूज करोगे अगर आप इसके फायदे और इसको यूज करने का तरीका सीख जाओगे तो। तो चलिए यहां पर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, एंड हां चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिले। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना क्योंकि यहां पर मैं आपको जो 3 सेटिंग्स बताने वाला हूं ये बहुत ही जबरदस्त है, आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करोगे। और लास्ट वाला जो सेटिंग है यानी कि 3rd नंबर का जो सेटिंग है उसका तो क्या ही कहना, आप उस सेटिंग को देखोगे तो आप एक बार ये कहोगे कि यार काश मुझे ये फीचर पहले पता चल जाता, इस सेटिंग के बारे में पहले पता चल जाता। तो चलिए यहां पर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अब आपको मोबाइल कैमरा के सबसे पहला ट्रिक बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं और फोटो को खींचने के बाद अगर आपके फोटो का क्वालिटी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर एक सेटिंग को कर सकते हैं। उस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपका जो फोटो है वो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में आएगा, मतलब आप फोटो को जितना चाहो उतना जूम कर सकते हो, आपका जो फोटो है वो फटेगा भी नहीं। तो यहां पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर वो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कैमरा जो है ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करके सेटिंग्स वाले ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे जो है सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पिक्चर क्वालिटी नाम से, सिंपल आपको इस वाले फीचर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहां पर आपको हाई क्वालिटी का जो ऑप्शन है यहां पर आपको हाई पे टिक कर देना है। दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को यहां से कर लेते हैं उसके बाद आप अपने मोबाइल से फोटो वगैरह क्लिक करोगे ना तो बिल्कुल हाई क्वालिटी का फोटो आप यहां से जो है क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में यह जो है स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट वो रहेगा तो आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का फोटो खींचेगा, लेकिन अगर आपने इसे हाई पे कर दिया है तो अब आप अपने मोबाइल से फोटो खींचोगे तो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी का फोटो आप खींच सकते हो इस सेटिंग को करने के बाद। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने किसी ऐसी जगह का फोटो शूट किया है जिसको आप एज ए प्रूफ किसी बंदे को दिखाना चाहते हो ताकि वो जो है यकीन करे आपकी बातों पर, तो वो आपसे एक बात जरूर कहेगा, जब आप उसको अपना फोटो दिखाओगे तो वो बंदा आपसे कहेगा कि भाई ये जो फोटो है ये उस जगह का नहीं है, ये जो फोटो है कहीं दूसरी जगह का है। तो दोस्तों अब आप अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर एक सेटिंग को कर सकते हैं, उस सेटिंग को आप जब करोगे ना उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर फोटो वगैरह शूट करोगे तो आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो उस जगह का जो लाइव लोकेशन है वो भी कैप्चर कर लेगा। वो कैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, तो सबसे पहले आप सेटिंग को देख लो। यहां पर दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो कैमरा है इसे आप ओपन करोगे, उसके बाद फिर से आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और कैमरा के सेटिंग के अंदर चले आना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव लोकेशन इन्फो, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके दोस्तों आपको ये जो फीचर है यहां पर ऑन कर लेना है। जब दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर इस सेटिंग को ऑन कर लोगे उसके बाद आप किसी भी जगह का फोटो शूट करोगे ना तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो उस जगह का जो लोकेशन है वो भी सेव कर लेगा, जिसे आप फोटो के डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको 3rd नंबर का फीचर बताता हूं जो कि बहुत ही कमाल का है, आप इस फीचर को जरूर से ट्राई करना चाहोगे, इसे यूज करना चाहोगे। कई बार हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर वीडियो को रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता है, हम लोग मोबाइल को निकाल करके सीधा सीधा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर ये जो ऐप है डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आप अपने मोबाइल से जो है चुपके से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वह कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इस ऐप को यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ये जो ऐप है आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हो ऐप यहां पर ओपन हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्ले का, ठीक है? तो सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको 1 टाइम के लिए परमिशन वगैरह दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहां पर जो कुछ भी सेटिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है वो आपको यहां पर कर लेना है क्योंकि फर्स्ट टाइम है,
तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है परमिशन को दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो है रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल से बैक आ जाओगे, आप अपने मोबाइल को लॉक कर लोगे इस तरीके से, तब भी आपका जो मोबाइल है ना वो वीडियो को रिकॉर्ड करता रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ऑफ है, मैंने मोबाइल को लॉक भी किया, तब भी ये जो कैमरा है ना, ये जो ऐप है वो फोटो या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करता रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐड आ गया है, तो मैं ऐड को कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी स्टार्ट है और यहाँ पर मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। अब दोस्तों जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को देखने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो जिसे आपने रिकॉर्ड किया है। तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है दोस्तों, आप इस ऐप को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आप किसी के चुपके से वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहती हो तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। आप किसी भी जगह का वीडियो जो है चुपके से रिकॉर्ड कर सकते हो। इस ऐप का जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। तो यही था दोस्तों मोबाइल कैमरा का 3 न्यू फीचर्स जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उसे भी इस फीचर के बारे में पता चले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।